ताजी हवाओं में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो, जब भी खोले आप अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान लाइव में। मैं हूं आपके साथ निम्मि सिन्हा। तो आज इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इस सफर में एक बेहद ही खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे आज के दिन का सुविचार। तो आज के दिन का सुविचार है गौतम बुद्ध के विचार। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल वचन है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। जब भी एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी ज़रूरत तुरंत ही जन्म लेती है। बहरहाल यहाँ पे जानेंगे अखबारों की सुर्खियों के बारे में। तो आज के अखबारों के पहले पन्ने पे प्रमुखता से जो खबर छापी गई है वो मैं आपको बताऊंगी। आज आपको बताऊं तो मौसम के दुनिया से जुड़ी एक खास खबर, बूंदाबांदी से बढ़ी तूफान पिथाई का असर बिहार में पड़ा कमजोर, इसका असर पटना सहित आसपास के जिलों में नहीं के बराबर देखा गया। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। डीएम के ऑर्डर के मुताबिक पटना में 8वीं तक की कक्षाएं 9:30 बजे से होंगी, वहीं 8वीं के ऊपर की सभी कक्षाएं पहले के समय से ही चलेंगी। तो ये तो हो गई आज की खबर की बात। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे खास अतिथि से। जी हाँ, तो बिना इंतज़ार किए आपके इंतज़ार पे फुल स्टॉप लगा के आपको मुखातिब कराते हैं एक बेहद ही खास शख्सियत। आपको ले चलेंगे आज फिल्मी दुनिया की ओर, और फिल्मी दुनिया की जगत से एक जाना माना नाम आपके सामने है। आज आपको रूबरू कराएंगे हम जाने माने लेखक निदेशक हिंदी एवं भोजपुरी फिल्म जगत से आयुष प्रसाद जी, जिन्हें आप स्क्रीन पर आयुष प्रसाद चंद्रवंशी के भी नाम से जानते हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। जानना चाहूंगी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके जीवन का जो सफरनामा है कहाँ से चल पड़ा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इस बारे में हमें क्या बताएंगे? मैं बिहार के नालंदा जिले से रहने वाला हूँ, हरनौत ब्लॉक है और उसमें कोलामा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। नेटिव प्लेस मेरा वही है। और ये फिल्मों का जो सफ़र है वो 12 साल उम्र के आसपास से शुरू हुआ था जी। मतलब 12 साल की उम्र में स्टेज पे मैंने एक्टिंग की थी। फिर बचपन से सोच मेरी थी कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मुझे लगा कि मैं भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए रास्ता क्या है? तो दो रास्ते मेरे पास थे, या तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें या तो फिल्म लाइन। तो मुझे आसान लगा फिल्म लाइन, और 25 साल की उम्र में मैं मुंबई रवाना हो गया। मुझे याद है 17 सितंबर 1989 को मुंबई रवाना हुआ था मैं। लेकिन ये बड़ी अजीब विडंबना है कि आदमी सोच के चले जाते हैं कि मुझे फिल्म में काम करना है, और वहाँ पर मेरी कोई फिल्म में दूर दूर तक रिश्तेदार भी नहीं, कोई जानी पहचानी हस्ती नहीं थी, और अकेले अंधेरे में चलता गया मैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में जान कर कर पढ़ करके गया था मैं। तो वहाँ जा कर के स्ट्रगल करना शुरू किया, कौन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि हम किताबों में मायापुरी वगैरह में ये पढ़ लेते हैं कि ऐसा आसानी से फिल्मों में काम मिल गया, वैसा मुंबई में कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। एक गलतफहमी में लोग चले जाते हैं कि मुझे आसानी से काम मिल जाएगा। इस हिसाब से मुंबई रवाना हुआ और काम ढूंढना शुरू किया। अब आप पूछ सकते हैं कि पहली फिल्म कौन सी और कैसे मिल गई। बिल्कुल, हम जानेंगे इस सफर को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार बयान के सफर में वक्त हो चला है
हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखने का, तो आपको दिखाएंगे हमारे हेल्थ सेगमेंट में प्राकृतिक उपचार सेगमेंट, जानेंगे प्रकृति की गोद में अनीमिया जैसी बीमारी के लिए क्या कुछ है उपाय। ऐसी बीमारी है जो आपको आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन को बनने नहीं देती है। इसका कारण है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं रेड कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी, जिस कारण से आप एनीमिक होती हैं। जो भी आप खा रही हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण आपका बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो आप कमजोरी फील करने लगती हैं। एनीमिया को पहचाने कैसे? जब आप एनीमिक होती हैं तो आप शुरू में ही अगर अपने आप पे ध्यान देंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एनीमिक हो गई हूँ। जिससे आँख की पुतली को हटा के देखते हैं तो आपका आँख पूरी तरह सफ़ेद होने लगता है। आप चलती हैं तो आपको थकान महसूस होती है, आपको नींद अच्छी नहीं आती, आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो आपके दिल धड़कने लगते हैं। ये सब जब आपको महसूस हो, क्योंकि खास करके ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, आपको अगर लगे कि आप थोड़ा भी थक रही हैं, थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आप एनेमिक फील कर रही हैं, तो सबसे पहले आप आयुर्वेद के ही द्वारा, आपके किचन में ही सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप ग्रीन टी का सेवन करना शुरू कर दो। एनेमिक होने से पहले ही आपको ये सब करना है, ग्रीन टी खाना शुरू कर दो। धनिया है जो आपके मसालों में रहता है, आप उसे रात में फुला दो और उसके सुबह उठ के उसके पानी को लेना शुरू करेंगे तो जो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत भी चक्कर आ रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आपके सेल्स बनने लगेंगे, आपका हेमोग्लोबिन आप टेस्ट कराएंगे बढ़ने लगेगा। अंकुरित अनाज का सेवन, इससे भी आपका एनेमिकपन दूर हो। अगर खुदा न खास्ते आपको दिख रहा है, टेस्ट में आ रहा है कि हेमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, तो आप गूगल चंद्रप्रभा बटी इसका सेवन करेंगे, जिससे कि एनीमिया आपको धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आप अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में इस तरह का भोजन खाएं जो कि आप जल्दी उसे पचा सकें। जैसे कि आप अगर एनेमिक हो रही हैं और उस समय आप हैवी चीज़ खाती हैं तो आपका आपके डाइजेस्ट करने की क्षमता तो कमज़ोर है, आपका पचेगा नहीं, आपके पेट में हमेशा अनाज रखा रहेगा और आप भारीपन महसूस करेंगे, आप धीरे धीरे खाने से भागने लगेंगे कि नहीं हम तो खा ही नहीं पाते। ऐसी बात नहीं है, आप खाएं वो जैसे कि बार्ली, हल्का बार्ली बना लें जो आपको पसंद हो, मीठा नमकीन उस तरह से बार्ली को पिएं, सूजी का सेवन करें, ग्रीन वेजिटेबल खाएं। तो शुरू में जनरली होता क्या है, जब महिलाओं को ये पता चलता है कि हम एनेमिक हैं तो वो फल ये आप डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती हैं अभी, तो इसके लिए पपीता है, केला है, लाइट फल जो तुरंत आपका डाइजेस्ट होता है,